हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप एक क्विज की तरह देखें और अपनी नॉलेज को टेस्ट करें कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया, और जितने भी क्वेश्चंस का आपने सही आंसर दिया प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ फीड वाटर इन बॉयलर। बॉयलर पे जो पानी हम स्टीम बनाने के लिए यूज करते हैं उसकी पीएच किस रेंज में होनी चाहिए। ऑप्शन ए 10 से 12, ऑप्शन बी 9.5 से 10.5, ऑप्शन सी 8.5 से 9.5। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 8.5 से 9.5, यानी बॉयलर पे फीड वाटर की पीएच 8.5 से 9.5 के बीच में होनी चाहिए। अगर हम बॉयलर पे पानी की क्वालिटी को मेंटेन करेंगे तो बॉयलर की ट्यूब्स की ओवरऑल लाइफ भी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इफेक्ट ऑन बॉयलर इफ टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर इज लोअर। अगर हम बॉयलर पे फीड वाटर का टेम्परेचर नॉर्मल रखेंगे 30 से 35 डिग्री के बीच में तो बॉयलर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन ए एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, ऑप्शन बी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज, यानी ए और बी में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एफिशिएंसी डिक्रीज, यानी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। वो कैसे। फीड वाटर को इकोनोमाइजर में फ्लू गैसेस की मदद से गर्म कर लिया जाता है और उसके बाद ही उसको स्टीम ड्रम में फिल किया जाता है। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर के पानी को स्टीम ड्रम में फिल करेंगे तो उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा फ्यूल लगेगा और बॉयलर की ओवरऑल एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, विच डिवाइस मेंटेन द नेगेटिव प्रेशर इन बॉयलर फर्नेस। बॉयलर की फर्नेस में नेगेटिव प्रेशर यानी एयर का जो नेगेटिव ड्राफ्ट होता है वो किस डिवाइस द्वारा मेंटेन किया जाता है। ऑप्शन ए आईडी फैन, ऑप्शन बी एफडी फैन, ऑप्शन सी चिमनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आईडी फैन। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रेशर मेंटेन इनसाइड द बॉयलर फर्नेस। बॉयलर की फर्नेस में कौन सा प्रेशर मेंटेन किया जाता है। ऑप्शन ए पॉजिटिव प्रेशर, ऑप्शन बी नेगेटिव प्रेशर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नेगेटिव प्रेशर, और ये नेगेटिव प्रेशर बॉयलर में आईडी फैन द्वारा मेंटेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच लाइन फीड चेक वाल इज फिटेड। फीड चेक वाल बॉयलर में किस लाइन में फिट किया जाता है। ऑप्शन ए मेन स्ट्रीम लाइन, ऑप्शन बी एयर वेंट लाइन, ऑप्शन सी फीड पंप लाइन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी फीड पंप लाइन। फीड चेक वाल फीड पंप की डिस्चार्ज लाइन में फिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हस्क। हस्क की ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शन ए 4500 किलो कैलोरी पर केजी, ऑप्शन बी 3500 किलो कैलोरी पर केजी, ऑप्शन सी 5500 किलो कैलोरी पर केजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3500 किलो कैलोरी पर केजी, यानी अगर हम 1 केजी हस्क को बर्न करेंगे तो उससे हमको 3500 किलो कैलोरी हीट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7, वाटर ट्यूब बॉयलर प्रोड्यूस स्टीम एट डैश प्रेशर देन फायर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर फायर ट्यूब बॉयलर के मुकाबले किस प्रेशर पे स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन ए हायर, ऑप्शन बी लोअर, ऑप्शन सी इक्वल यानी बराबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हायर। वाटर ट्यूब बॉयलर हाई प्रेशर के लिए यूज किए जाते हैं और इसका यूज पावर प्लांट में टरबाइन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इफेक्ट ऑन स्टीम फ्यूल रेशियो इफ मॉइस्चर इन फ्यूल। अगर फ्यूल में ज्यादा मॉइस्चर हो तो स्टीम फ्यूल रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन ए स्टीम फ्यूल रेशियो इंक्रीज, स्टीम फ्यूल रेशियो बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी स्टीम फ्यूल रेशियो डिक्रीज, स्टीम फ्यूल रेशियो कम हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्टीम फ्यूल रेशियो कम हो जाएगी।
अगर फ्यूल में मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा हो तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाएगी, और स्टीम बनाने के लिए यानी पानी गर्म करने के लिए हमको ज़्यादा फ्यूल को बर्न करना पड़ेगा, इससे स्टीम फ्यूल रेशो कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, साइक्लोन इज यूज टू कलेक्ट डैश इन बॉयलर। साइक्लोन का यूज बॉयलर पे किसको कलेक्ट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ऐश, ऑप्शन बी मॉइस्चर, ऑप्शन सी डस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ऐश। बॉयलर पे साइक्लोन का यूज ऐश यानी राख को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा राख को साइक्लोन में कलेक्ट कर लिया जाए और ये ऐश चिमनी के रास्ते बाहर एनवायरमेंट में ना जाए। क्वेश्चन नंबर 10, विच डिवाइस सप्लाई द एयर इन बॉयलर। कौन सा डिवाइस बॉयलर में एयर को सप्लाई करता है? ऑप्शन ए आईडी फैन, ऑप्शन बी एफडी फैन, ऑप्शन सी रोटरी वाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एफडी फैन। एफडी फैन की फुल फॉर्म है फोर्स ड्राफ्ट फैन, और इस फैन द्वारा बॉयलर में एयर को सप्लाई किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।